हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियर डायरीज। सो आज इस वीडियो में हम करेंगे दो चीज़ों का रिव्यू। तो फर्स्ट है पैसोहोलिक का एंड्रॉयड इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो मैं पिछले एक साल से यूज़ कर रहा हूँ। पैसोहोलिक कंपनी के स्पीकर्स ऑर्डर किए थे तो वो आज आए हैं और उनको मैं इंस्टॉल कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि उनकी साउंड कैसी है, क्या आपको वो अपनी गाड़ी में लगवानी चाहिए कि नहीं। तो ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उनके लिए है जो कम पैसों में अपनी जो कार को हाईटेक करना चाहते हैं, एक अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाना चाहते हैं, एक अच्छा बैक कैमरा लगाना चाहते हैं और वो भी 10,000 रुपये से कम। हाँ, मेन जो USP है इस वीडियो की वो ये है कि 10,000 रुपये से कम। तो 10,000 रुपये से कम का अगर आपका बजट है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ये वीडियो पूरी जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। सो ये जो एंड्रॉयड इंफोटेनमेंट सिस्टम था, ये मैंने एक साल पहले लगाया था, तो मैंने जून में ही लगाया था और पहली वीडियो डाली थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन वीडियो है और रिव्यू का भी वीडियो है, सारी वीडियो है, वो चेकआउट करो। और नहीं तो यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो मैं लास्ट 1 ईयर से पैसोहोलिक का एंड्रॉयड इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। एक साल से बिल्कुल एकदम मक्खन चल रहा है, मक्खन तो नहीं, कुछ लैग है, यूट्यूब वगैरह खोलता हूँ थोड़ा लैगिंग करता है, बट यार 6,000 रुपये में अगर आपने खरीदा है तो इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐप से मोबाइल की तरह तो बिहेव नहीं करेगा। बट एक अच्छा प्रोडक्ट था जो मैं अभी एक साल से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी यूज़फुल रहा है मेरे लिए, और जो अंदर का जो मेरी कार का जो इंटीरियर है वो बिल्कुल चेंज कर दिया। तो मैंने देखा कि इन्होंने स्पीकर भी लॉन्च किए हैं, तो आज मैं रिव्यू करूंगा इनके स्पीकर का और चेक करूंगा कि यार स्पीकर्स कैसे हैं पैसोहोलिक के, तो क्या पैसोहोलिक के स्पीकर लेने चाहिए कि नहीं। हाँ, हमने सबने एंड्रॉयड इंफोटेनमेंट सिस्टम देखा है और अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, और जिस प्राइस पॉइंट पर आता है उस प्राइस पॉइंट पर बहुत अच्छा है। बट अभी हम रिव्यू करेंगे स्पीकर्स का, पैसोहोलिक के स्पीकर्स का। तो सबसे पहले मैं करता हूँ अनबॉक्सिंग। तो अभी ये बिल्कुल पैक है तो इसको मैं करता हूँ थोड़ा ओपन और देखता हूँ बॉक्स अंदर कैसा है। तो ये है हमारा पैसोहोलिक का स्पीकर जो आप देख रहे होगे स्क्रीन पे इस समय। सो पैकिंग वाइज बहुत अच्छा है और यहाँ पे प्राइस जो है वो है 2999। सो ये 3,000 का इसमें लिख रखा है, बट एक्चुअली ये 1500 रुपये का ईजिली मिल जाता है फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे। तो अपन तो क्या करना है कि यार अपन को चेक करना है और जाना है मैकेनिक के पास और इनको स्पीकर्स को कराना है फिट और फिर देखना है कि यार तो इसकी जो साउंड है वो कैसी है, बेस है वो कैसी है। तो ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे कि यार कैसी है वो एक्चुअल। देखो यार अभी मैं यूट्यूब पर आपको साउंड सुनाऊँगा तो वो ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा, बट हाँ मुझ पर ट्रस्ट करना, मैं आपको जेन्युइन रिव्यू बताऊँगा, जेन्युइन आवाज़ बताऊंगा कि जो मेरे पिछले स्पीकर्स हैं। मैं अभी अपनी कार में JBL के स्पीकर यूज़ करता हूँ, 2 स्पीकर JBL के, और 2 स्पीकर ये लगवाने वाला हूँ और सिर्फ इनको बजा के मैं देखूंगा कि यार ये कैसे हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। हाँ, हम एक्सपेक्ट नहीं करते JBL जैसा, क्योंकि 1500 रुपये में JBL जैसा एक्सपेक्टेशन करना बेईमानी है। तो ये सब फीचर्स हैं, मैं आपको एक बार फ़ीचर्स बता देता हूँ सारे कि क्या क्या इसमें फ़ीचर्स आते हैं। इसका जो मॉडल नंबर है वो है VLSP065 और ये 2-way कोएक्सियल स्पीकर है। इस स्पीकर की सबसे खास बात यह है कि इसमें ट्विटर, बूफर और मिड रेंज तीनों एक ही स्पीकर में होती है, तो आपको सेपरेटली कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ट्विटर का साइज़ 3.5 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम पावर है 460 वॉट, जो कि काफ़ी अच्छी है। और ये आता है इम्पोर्टेड फॉर्म के साथ, जिससे कि स्पीकर की जो साउंड है वो काफ़ी पंची होने वाली है। और जो इसमें कॉइल यूज़ हुई है वो भी काफ़ी हाई पावर की है, तो हमें बेस जो मिलेगी वो बहुत अच्छी बेस मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्पीकर वाटर रेसिस्टेंट है, सो अगर कार वॉश करते टाइम पानी चला गया स्पीकर्स में या कार में पानी आ जाता है तो ये ख़राब नहीं होंगे। बाकी यार पैकिंग वैकिंग अच्छी है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ कि कैसे हैं अंदर से। तो ये है अपना स्पीकर्स और यहाँ पे कुछ इन्होंने वारंटी कार्ड वगैरह दिया है, तो 1 साल की वारंटी के साथ आता है। तो यार वारंटी कार्ड सब कुछ है, तो देखता हूँ यार क्वालिटी कैसी है स्पीकर्स की। तो यहाँ पे ये ओपन कर लिया मैंने, ये ओपन कर लिया और ये मेरा आ गया स्पीकर नंबर 1। दूसरे स्पीकर को रखते हैं यहाँ पे, तो ये 2 का सेट है। तो ये स्पीकर्स है, देखो यार काफ़ी मतलब हैवी है। तो ये है स्पीकर भाई, अब इसको लगाते हैं और चेक करते हैं इसकी साउंड कैसी है।
तो अभी मैं आ गया हूँ अपनी कार में और अभी मैं आपको सुनाऊंगा इसकी साउंड कि भाई इसकी साउंड कैसी है। तो अभी मैं जाता हूँ यूट्यूब पे और यूट्यूब में जाकर मैं एक कोई सॉन्ग या कोई साउंड टेस्ट वाली वीडियो में चलाऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, क्योंकि इतना तो आपको पता नहीं चल पाएगा क्योंकि जो मेरा माइक्रोफोन है और जो मैं यूज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा, उसमें इतनी अच्छी साउंड तो नहीं आएगी। डीजे, ओके, साउंड टेक। तो अच्छी है यार साउंड, बुरी नहीं है साउंड, तो मैं बोलता हूँ एक नंबर साइंड है। अगर 1500 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो यार एक नंबर साइंड यार। देखो भाई क्या फाड़ आवाज है। वैसे जो इसकी साउंड है वो एक नंबर, आप वीडियो में नहीं देख पा रहे हो। ये था इसका साउंड टेस्ट भाई। तो ये था बैसोहॉलिक के स्पीकर्स का साउंड टेस्ट। तो आप डिसाइड करो कि आपको ये लेना है कि नहीं। अगर आपका बजट 2000 से कम है तो आप इसे ले सकते हो। और अगर मैं बात करूं एंड्रॉयड इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो मैंने लास्ट 1 ईयर से उसे यूज़ कर रहा हूं और आपने अभी देखा मुझे इसने कोई प्रॉब्लम नहीं दी। जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है उस हिसाब से अभी भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें कुछ लैग है, इतना फास्ट नहीं है। अगर आप गूगल मैप यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेता है, बट उसके बाद स्मूथ चलता है। तो सभी प्रोडक्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो और परचेस कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो वो भी ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं अपनी कार के लिए। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।